हाँ जी हाँ जी यूट्यूबर तो नहीं हो कितने? जी जी मैं यूट्यूबर हूँ जी। पहले बताए मैं लाभ कैसा रहा हूँ? चेक के रखो काम नो। हाँ चेक के रखो काम नो है। वो क्या चीज होती है? नेशनल टाइटेनियम 256 GB। ओके तो गाइस ले लिया जी हमने आईफोन 15 प्रो मैक्स डेल्टा 12 अल्फा। ओवर ओवर बालकनी से व्यू देखो गाइस। ये क्या है रे, चलता है क्या? इसको बोलते हैं यहाँ पे सस्ता चाइना, लाइक इसका मिनी चाइना। हरे कलर का पानी और सामने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग। हाँ जी एक सेकेंड। ओके वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज है मेरा दुबई में तीसरा दिन और ये देख रहे हैं आप कश्मीरी फेरन पहना हुआ मैंने। ये मैं स्पेशली घर से साथ लाया था इसीलिए ताकि मैं दुबई में पहन सकूं इसको और दुबई वाले लोगों का रिएक्शन देख सकूं। तो यस आज हमारा प्लान यही है, हम जाने वाले हैं दुबई मॉल, आपको दुबई मॉल के नज़ारे दिखाएंगे और वहाँ पे लोगों का रिएक्शन देखते हैं। अगर रिएक्शन मिला तो देखते हैं वो कश्मीरी फेरन पे कैसे रिएक्ट करते हैं, अगर किया तो। वैसे मिलना चाहिए क्योंकि यार बड़ी यूनिक चीज़ है हमारी फेरन। तो यस और उधर से भी शॉपिंग भी करनी है तो शॉपिंग भी करके आते हैं और आपको दुबई के नज़ारे दिखाते हैं। फिलहाल मैं बालकनी पे शूट कर रहा हूँ वीडियो और बालकनी पे भी एकदम तगड़े नज़ारे हैं देखने आपको, नज़ारे बुर्ज खलीफा भी है। तो ये देख लो जी मेरी बालकनी से नज़ारा। ओए होए होए सामने बुर्ज खलीफा, क्या बात है। लेफ्ट साइड से म्यूजियम ऑफ फ्यूचर, क्या बात है सर। और नीचे से देखो शेख जायद रोड जिस पे करोड़ों की गाड़ियाँ चलती रहती है दिन रात 24/7, ये देख सकते हैं आप। और वहाँ से देख लो रंग बिरंगे रोड और यहाँ से मेट्रो, मेट्रो जाती है यहाँ से। अरे वो देखो मेट्रो आ रही है। तो ये अच्छे जी बैलकनी के नज़ारे, अब चलते हैं जी दुबई मॉल और वहाँ पे अपना कश्मीरी कल्चर हम प्रमोट करते हैं और जैसे शॉपिंग भी करनी है वो भी करते हैं। तो यस लेट्स गो। खुल जा सिम सिम, खुल गया, क्या बात है। लिफ्ट में आ गए गाइस, टकलू ग्राउंड फ्लोर, तगड़ा चमक रहा है नहीं। एंड्रू टेट गाइस, एंड्रू टेट, क्या बात है जी एकदम बढ़िया। होटल से बाहर आ गए दोस्तों, क्या बात है, मौसम बढ़िया यार, ठीक है। फैरन पहना लेकिन फिर भी गर्मी नहीं हो रही। ये आ गए जी हम रोड पे, ये देखो जी टेस्ला यहाँ पे खड़ी है, BMW खड़ी है वहाँ पे और टेस्ला। खैर हम कैब बुक करते हैं और चलते हैं, शायद वीडियो कॉल कर रहा है शायद भाई। हेलो ब्रदर, मास्क क्यों पहना है? तुम्हें ट्यूशन में अभी? हाँ क्या? आधार कार्ड अपडेट कराने। अच्छा आधार कार्ड अपडेट कराने, और कैसा मजा है भाई। मैंने फेरन पहना हुआ, फेरन देख मेरा फेरन, प्रमोटिंग फेरन इन दुबई, क्या बात है। और बाकी मजे में? अभी मैं हूँ डाउन टाउन दुबई में, सामने बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा देखना है, बुर्ज खलीफा, क्या बात है। ये देखो जी सामने बुर्ज खलीफा, ये देखो इलॉन मस्क की टेस्ला, देखना इलॉन मस्क की टेस्ला, रुक जा ये देख टेस्ला, टेस्ला ब्रो, चल चल ठीक है, ओके 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 ओके। ये आ गई जी हमारी टैक्सी। अस्सलाम वालेकुम सर, और कैसे कैसे हैं सर आप? अच्छे से बढ़िया, अल्हम्दुलिल्लाह सर। ये देखो कितना आए 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 आगे आगे आए आए कितना आ रहे हैं सर। हाँ जी हाँ जी, यूट्यूबर तो नहीं हो कितने? जी जी मैं यूट्यूबर हूँ जी। पहले बताए मैं लाभ कैसे रहा हूँ? चेक के रखो काम लो। हाँ चेक के रखो काम लो सर। वो क्या चीज़ होती है? मैं क्या चकवाली सर नारंगे इसी सियालकोट पे। अच्छा,
सियालकोट और जम्मू में रहता हूँ। सियालकोट ये क्या होगा अभी आप ये देखे ना, सियालकोट और जम्मू ये कैसा कॉम्बिनेशन है? वही तो मैं कंफ्यूज हो गया। जम्मू इंडिया वाला जम्मू, वहाँ रहते हैं आप? नहीं वेदर हमारा इंडिया जम्मू का आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बॉर्डर पे यानी जीरो लाइन पे रहते हैं सियालकोट डिस्ट्रिक्ट पे। वो जम्मू हमारी, हम बाहर निकलते हैं ना जब जी, तो जैसे ये सामने टावर ना ऐसे हमारे पहाड़ियाँ बर्फ बर्फ हमारे घर में बहुत होती है वैसे, लेकिन रात को लाइटें पहाड़ों के ऊपर जम्मू की नजर आती है, तो हम फिर कहते हैं वो जम्मू की लाइटें लगती हैं। पाकिस्तान में हालात कैसे अभी, इलेक्शंस वगैरह हो रहे थे अभी? वो बस हमारी फौज। सही बात। अच्छा आप सुनाए वो तो बिल्कुल। बाकी आप दुबई, दुबई में कब से हैं आप? दुबई में मैं पुराना भी हूँ और नया भी हूँ इस फील्ड में। मैं नया, कितना टाइम हो गया दुबई में रहकर? मैं 2011 में आया था फर्स्ट टाइम। हाँ तब तो ये बिल्डिंग नहीं होती यहाँ पे, कम ही होते, इतना बुर्ज खलीफा भी नहीं होता। फिर मैं साउथ कोरिया चला गया। अच्छा, फिर साउथ कोरिया रहा हूँ तकरीबन 7 साल, फिर वहाँ से आ गया हूँ इधर। अभी मुझे आए हुए कुछ 1 माह हुए हैं। बढ़िया माशाल्लाह जी, गॉड ब्लेस यू कश्मीर, थैंक यू, अल्लाह पाक आपको आज़ादी दे। आमीन। अभी पाकिस्तान के तो छोड़ो, वो तो चलो फिर भी इतना नहीं। आप सुनाओ कश्मीर का क्या सिचुएशन? कश्मीर का ठीक है अभी, सब सही है, मस्त। नहीं वो जो किया था इन्होंने चेंजिंग की थी कि इंडिया नहीं, पहले हालात खराब होते थे, अभी ठीक ही है, अभी ठीक ही है। चलो अल्लाह हाफिज़ भाई। चलिए जी, ये पहुंच गए जी हम दुबई मॉल, और ये देख लें करोड़ों की गाड़ियाँ निकलती हुई यहाँ से, मर्सिडीज़, रेंज रोवर एंड ऑल। पर हम टैक्सी से आए, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम भी आएंगे कभी रेंज रोवर में, रोल्स रॉयस में, यहाँ तब घूमेंगे अच्छे से। ये है जी दुबई मॉल, दुनिया का सबसे बड़ा मॉल, इसमें अंदर खो जाता है बंदा। ओके, वी आर ऑफिशियली इन गाइस, एंड अभी कुछ खास देख नहीं रहे हमें लोग। यार यहाँ फ़र्क नहीं पड़ता लोगों को, यार यहाँ अमीर लोग घूम रहे हैं, उनको क्या पड़ी कि किसने फेरन पहना है, किसने कमीज सलवार पहना है और किसने पैंट शर्ट पहना है। ये अपने काम में मस्त है। और साइड से देख रहे हो अभी भी यहाँ के शेख लोग हैं, बड़े तगड़े बंदे हैं, बड़े पैसे वाले हैं। एंड ये है जी दुबई मॉल अंदर से, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी लग्जरियस। मैं अभी अपनी सस्ती गुची पहन लेता हूँ 200 रुपए की, इनको क्या मालूम चलेगा, इनको लगेगा शायद पता नहीं कौन सा अमीर लौंडा है। ये देख लो यहाँ पे छोले मिलते हैं गाइस, देख रहे हो अंदर छोले मिलते हैं। मजाक कर रहा हूँ, सच नहीं मान लेता। ये जी यहाँ से फूड कोर्ट दुबई मॉल का, और यहाँ से अमीरों के स्टोर, डोल्ची गबाना, रोलेक्स, वैलेंटिनो। ओ मनीष मल्होत्रा का, ओ यस, ये मुझे देखना है। मनीष मल्होत्रा ने यहाँ स्टोर खोला है ना अपना, जो इंडियन सेलिब्रिटीज़ का ड्रेस डिज़ाइन करता है ना मनीष मल्होत्रा, फेमस आप सब जानते होंगे, हर बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का ड्रेस जो डिज़ाइन करता है, करोड़ों के ड्रेसेस, लहंगा वगैरह, वो उसका स्टोर यहाँ पे है, रिसेंटली खोला उसने मनीष मल्होत्रा। तो देख के आते हैं यार कितने का क्या है। आर दिस ऑल डिज़ाइन बाय मनीष मल्होत्रा ओनली? ओके, ये सारे मनीष मल्होत्रा के डिज़ाइन है। हाउ मच इज दिस फॉर? भागो यहाँ से भाई, भागो। मनीष मल्होत्रा का एक ब्लेजर 10,000 दिरहम का बोल रही थी ये, मतलब 2.5-3 लाख के आसपास। मतलब क्यों लाना है भाई, मुझे समझ नहीं आता यार। मैं इतना सस्ती गुची लो, किसको पता है सस्ती है, मतलब नकली है, कॉपी है ये, थोड़ा कोई टच करके आपको, टच करके पता नहीं चलता यार क्या फ़र्क पड़ता है। देखो मैंने भी गुची पहना है, अब मैं बोल रहा हूँ नकली है तभी आपको पता चलता है, वरना मैं बोल दूँ असली है तो कौन सा तुम लोग फिर मेरे घर आके चेक करने वाले हो। दुबई मॉल है तो बड़ा खूबसूरत है यार, ब्यूटीफुल। वाओ यार देखिए मस्त लग रहा है ना गाइस। अगर दुबई मॉल मेरा होता तो कितना मज़ा आता ना, कुछ ज़्यादा औकात से बाहर सोच रहा हूँ।
यहाँ पे मस्त है फोटो वगैरह के लिए। मेरी फोटो कौन लेगा भाई, अकेला हूँ। ये देख लो जी ड्रोन, यहाँ से डी जे मिनी 4 प्रो जो अपने पास है, यह एयर 3 मैविक 3 प्रो। ये गेमिंग का एरिया, गेमिंग के लिए कुछ लें हम, क्या लें, इस गेमिंग चैनल बना लें हम। यहाँ पे सब ये PS5 वगैरह सब कुछ मिलेगा। ये देख लो यहाँ पे सोने के बैक कवर्स, ये पता नहीं कितने के होंगे। एक्सक्यूज मी मैम, हाउ मच इज दिस फॉर 14 प्रो मैक्स? 2000 दिरहम। ओके 2000 दिरहम इज इक्वल टू 55,000 रुपये। ओके थैंक यू। ये देखो जी यहाँ दुबई मॉल का मैप भी है, मतलब इतना बड़ा है कि यहाँ पे मैप की ज़रूरत पड़ती है, मैप यूज़ करने की, कि कौन सा स्टोर कहाँ पे है, ये फिर अकॉर्डिंगली आपको डायरेक्शंस देता है कि किधर से जाना है आपको। ये देखो गाइस दुबई एक्वेरियम, ओए होए 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 होए, मछलियाँ देखो भाई साहब, यहाँ से देखो ब्रो, वाओ भाई वो कैसी मछली है यार, पेपर जैसी। लोग देखो कितने देख रहे हैं तमाशा। वाटरफॉल गाइस, तो कमाल की चीजें बनाते हैं यार दुबई वाले। गाइस दुबई मॉल से निकल के आगे से हम डायरेक्ट, अरे बुर्ज खलीफा किधर, इधर है बुर्ज खलीफा के एंट्रेंस पे। हाय 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 हाय, ये देखो जी बुर्ज खलीफा, और देखो कितने लोग हैं यहाँ पे, यहाँ पे फेरन के साथ एक फोटो लेके पोस्ट करते हैं, बुर्ज खलीफा के सामने फेरन। भाईजान मेरी एक फोटो लेंगे आप प्लीज? थैंक यू सर, हो गया, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू। ओ ब्रो भाई बढ़िया फोटो लिए कसम से, लवली लवली फोटो। ये देखो जी यहाँ से खूबसूरती देखो भाई, हरे कलर का पानी और सामने दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह। और ये सारा दुबई मॉल है यहाँ से पूरा फैला हुआ। 2 hours later, चलिए अल्लाह हाफिज़ा। तो गाइज दुबई मॉल से डायरेक्ट आ गए जी हम बर दुबई, दुबई का सबसे सस्ता मार्केट। यहाँ से मुझे लेना है iPhone 15 Pro Max मेरे एक दोस्त के लिए, यहाँ पर सस्ता मिलता है ना इंडिया से, लगभग 10-15,000 सस्ता मिलता है यहाँ। उसने बोला मेरे लेके ले आओ, तो ठीक है कोई बात ले आता हूँ। तब उसके लिए फ़ोन लेके आएंगे हम 15 Pro Max 256 GB, और फिर मुझे अपने लिए भी लाना है वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी होता है ना वो, मुझे लाना है अपने लिए दो पेयर, मतलब एक पेयर लाना है, एक मेरे लिए एक शायद के लिए, कैंपिंग वगैरह पहाड़ों पे काम आता है, मस्त कूल लगता है। ये है जी भर दुबई का मार्केट, यहाँ पे मिलता है गोल्ड और आईफोन्स ज़्यादातर, ई फोन्स वगैरह कैमरा ये ना इलेक्ट्रॉनिक्स ज़्यादा मिलते हैं और गोल्ड। यहाँ पे चलना है मुझे, करण कोई देख नहीं रहा यार, मेरा प्लान ही पोपट हो गया, मुझे लगा था मुझे रिएक्शन मिलेगी लेकिन यार कोई देख नहीं रहा, सब अपने काम में व्यस्त है यार, पर कोई बात नहीं हमारा प्रमोट हो रहा है। यहाँ से लेंगे जिम फोन, लेट्स गो, देखते हैं कितने का मिलता है। ये देख लो जी एकदम बढ़िया स्टोर है, कैमरा वगैरह ड्रोन वगैरह सब इधर अवेलेबल है, देख लो दिस इज इट नेशनल टाइटेनियम 256 GB। ओके सो हाउ मच? 4300। नो सर डिस्काउंट प्लीज। गाइज ले लिया जी हमने आईफोन 15 प्रो मैक्स 256 GB का, यहाँ 17,000 कम मिलता है इंडिया से, 17-18,000 रुपये का फ़र्क है, तो बढ़िया डील मिली। तो चलते हैं अब टैक्सी करते हैं और निकलते हैं, अब मुझे अपना वॉकी टॉकी लाना है, वो यहाँ नहीं मिलेगा वो दूसरी जगह पे मिलेगा ड्रैगन मार्ट। क्या है बाकी गाइज, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप भाई जान? बस बढ़िया भाई, चलिए भाई जान जाना हमने 8 hours। तो गाइज अभी मैं डायरेक्ट आ गया जी अपने ठिकाने पे, मैं फेरन वगैरह चेंज कर लेता हूँ, मेरा बहुत हो गया प्रमोट, बहुत हो गया, मुझे गर्मी बहुत हो रही है अब,
तो हम नॉर्मल ड्रेस में आ जाते हैं हम और फिर चलते हैं हम वॉकी टॉकी लेने, और मुझे दो तीन चीज़ें लेने, बहुत शॉपिंग करनी है यार। हाँ जी दोस्तों, तो अभी ये शूट हो रहा है जी पिछले फ्रेम के लगभग एक दो घंटा बाद, और अभी मैं आया हूँ जी जहाँ मैंने बोला था ड्रैगन मार्ट। ये है जी, बहुत ही बड़ा है ये, बहुत ज़्यादा ह्यूज स्टोर, इसको बोलते हैं यहाँ पे सस्ता चाइना, लाइक सबका मिनी चाइना। यहाँ पे सब कुछ मिलता है चाइनीज़, मतलब वो ना वो यूनिक प्रोडक्ट्स, हर कोई इलेक्ट्रॉनिक, वो इलेक्ट्रिक स्कूटर हो, वो LED वाला बैग जो आता है कश्मीर में, वो जो 20-20 हज़ार का बेचते हैं, वो यहाँ वो 5,000 में, 5,000 में लेके जाते हैं, वहाँ 20,000 में बेचते हैं सर। या वॉकी टॉकी, वो यहाँ पे सुना मैंने 7,000 का है, इंडिया में 15,000 का बेचते हैं। ये देखो जी ऐसा कुछ है स्टोर, और हमें देखना है वो कहाँ पे मिलेगा हमको। अरे विग, शाहिद भाई के लिए विग ले ले भाई। ओ भाई एकदम रियल बाल, कसम से ब्रो। हाउ मच? 200। डू यू हैव अ मैन? मैन ओनली, वुमन? ये देखो जी यहाँ से, ओ वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी मिल गया गाइस। ब्रदर सलाम अलैकुम ब्रदर, भैया वॉकी टॉकी कितने का मिलेगा? हेलो हेलो, ऐसे हाँ, हेलो हेलो, यस यस, डेल्टा 12, डेल्टा 12, ओवर ओवर, अटैक टीम बी, ओवर ओवर, 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर, ओके, 3 किलोमीटर इसका रेंज है। और बैटरी टाइम क्या निकलता है इसमें? बैटरी टाइम तो जाएगा 2-3 घंटा, और भी ज़्यादा जाएगा, 2-3 घंटा, ओके, नॉइस। ये जी वॉकी टॉकी ले लिया गाइस, एकदम बढ़िया। एक शाहिद के पास रहेगा, शाहिद के घर में, एक मेरे घर में रहेगा, और शाहिद को बोला करूँगा शाहिद भाई जल्दी आ जाओ, क्योंकि कॉल करना हैक्टिक हो जाता है ना। तो शाहिद भाई डेल्टा 12 है, डेल्टा टू शाहिद, कम कम ओवर इन 5 मिनट्स, क्विकली क्विकली। वो बोलेगा हाँ, कॉपी कॉपी कॉपी, मज़ा आएगा। और कैंपिंग वगैरह पर बड़ा बढ़िया रहता है, कैंपिंग के टाइम नेक्स्ट लेवल, फिर नेटवर्क नहीं रहता ना। मेरे देखो भाई साहब म्यूजिक सिस्टम प्रो, भाई जान ये वॉच कितने की है? 75 दिरहम, मतलब 1300 रुपये की। भाई साहब क्या बढ़िया है ना, ये क्या है रे, चलता है क्या? अरे ओश शिट भाई, चलता भी है एकदम तगड़ा कैमरा है कसम से। ये कितने का सर? 250 दिरहम। भाई फोन देखो यार कितना बड़ा, देखिए ये देखो जी एकदम सारी ऐप हैं वगैरह, ड्यूअल सिम, हाँ ड्यूअल सिम है, व्हाट्सएप वगैरह सब चलेगा इसमें, इतना सा फ़ोन है। देखो इस फ़ोन के कंपैरिजन में कितना है एक्चुअल फ़ोन। चलता है क्या? चलता है भाई, कुछ दिख नहीं रहा लेकिन। यहाँ पे क्या, यहाँ पे लाइटिंग वगैरह है, माशाल्लाह 100-100 रुपए की है सारी। व्हिच द बेस्ट सेलिंग हियर? पिस्ताशियो आल्सो गुड सर, पिस्ताशियो, ऐड दैट टू, या पिस्ताशियो, ओके, दैट्स अवर कॉम्बो, या दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट, आई कैन सी इट्स बेस्ट सेलिंग, या थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक्सेप्ट कार्ड? या वी एक्सेप्ट सर, थैंक यू। आइसक्रीम बहुत बढ़िया यार, एकदम कड़क, बहुत ठंडी है बहुत। तो गाइस वी आर बैक टू आवर ठिकाना, चाइनीज मॉल से वापस आ गए जी। मेरी एनर्जी थोड़ी बहुत लो लग रही होगी, बहुत ज़्यादा थक गए हमें, अभी रात के 11:30 हो रहे हैं, तो आई एम टू टायर्ड। तो थोड़ी बहुत शॉपिंग की, वही वॉकी टॉकी लाई, और भी एक दूसरी चीज़ लाई जो मैं आपको घर में अच्छे दिखाऊंगा क्या क्या लाया मैंने, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली बस, बाकी सब डन हो गया, अभी अब सो जाते हैं जल्दी से। आज मेरा लास्ट था दुबई में, कल इंशाल्लाह सुबह वापस मेरी फ़्लाइट है कश्मीर की, 10:30 बजे सुबह फ्लाइट है मेरी, तो जल्दी सोना है, सुबह जल्दी उठना है और निकलेंगे वापस अपने कश्मीर। घर वालों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, पूरे 10 दिन बाद हम घर जाने वाले हैं, तो इस गाना भी फन देखते हैं, शायद भी बहुत मिस कर रहा हूँ, शायद का सरप्राइज़ भी है। तो फिलहाल सो जाते हैं, उस बारे में कल बात करेंगे सरप्राइज़ वगैरह के बारे में, सो जाते हैं। बाय। बैल्कनी से व्यू देखो गाइस, ओए होए होए होए, ऐसा क्या हवा चल रही है भाई मस्त, सामने बुर्ज खलीफा का नज़ारा और यहाँ से शेख जायद रोड। ओ भाई हवा चल रही है बहुत तेज़,
ट्रैफिक लगा हुआ है अभी, ट्रैफिक जैम। यहाँ से देखो इससे बढ़िया व्यू क्या मिल सकता है दुबई में, परफेक्ट। और यहाँ पे बैठो और ये नज़ारे इंजॉय करो, टांग पे टांग रख के। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब अल्लाह का शुक्र है यार, यहाँ पे बैठ के नज़ारे इंजॉय कर पा रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऊपर वाला। I would talk about his check.